इस लड़के की वजह से मुझे पापा डांट पड़ गई। बाल जल गया, बाल जल गया। इसकी वजह से मैंने डांट सुन लिया। दीदी को फाइनली उनका ड्रेस मिल गया। ये दिवाली हमारी इस घर में फर्स्ट है। एंड आप लोग ये मत सोचना कि ये मेरी दिवाली की ड्रेस है। आराम से किशन मत जाओ यार, पागल जल गया, आग लग गई। गाइस बहुत सारी मक्खियां आ गई हैं। सो गाइज मैं घर पे आ गई हूँ फाइनली 3 महीने के बाद। गाइज आप देख सकते हो आज ही हमारे घर में ये सारे झालर वगैरह लगे हैं एंड दिवाली की वाइब आना स्टार्ट हो गई है। बट देख सकते हो पूरे एरिया में उतने लोगों ने नहीं लगाया है अभी तक। बस उधर है ना, आपको थोड़े थोड़े दिख रहा है ना, ये वाले जो घर है ये वाला हो गया, देन ये वाला घर हो गया, इसी में झालर लगे हुए हैं, बाकी कहीं नहीं लगा है। अभी को मैं आई हूँ रात में। दिवाली इज़ माई फेवरेट फेस्टिवल, मतलब किशन का भी फेवरेट है। क्रिएटिव जो ये लगाते हैं लाइट्स वगैरह वाले आए थे तो मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड किया था बट पूरा नहीं रिकॉर्ड कर पाई क्योंकि मैं थोड़ा यू नो वीडियोज़ वगैरह ब्लॉग एडिट कर रही थी, जो कि था कि बर्थडे की प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई हैं, तो वो वाला आप लोग जाके देख सकते हो, मैंने अपलोड करी हैं। बट घर में फैमिली के साथ दिवाली स्पेंड करो सब कुछ। एंड या आई एम सो हैप्पी दैट आई केम बैक होम। एक चीज़ और दिखाना है, स्केयर क्रो दिखाना। किधर है किशन? देखो हमारे घर में कबूतर बहुत ज़्यादा आते थे, उससे मम्मी सब लोग परेशान हो गया था, तो मम्मी ने जुगाड़ लगाया। अब रुको मैं आपको बैक कैमरा से दिखाती हूँ। ये देखो ये मम्मी ने ये जो स्केयर क्रो बनाया है, ये मास्क दुकान से लाया है और ये देखो इसको, इसकी वजह से कबूतर आ ही नहीं रहा। और ऊपर हमारे पास एक रैबिट था जो कि सॉफ्ट टॉय था, उसको रख दिया है, तो इसकी रेड रेड आइज हैं, तो उसको देखिए वो बहुत ज़्यादा डर रहा है, आ ही नहीं रहा है। आप भी ये जुगाड़ अपना सकते हो और आपके घर भी कबूतर बहुत ज़्यादा आते हैं। लेकिन कहीं आपके पास बिल्ली को भगाने का जुगाड़ है तो प्लीज़ बताइए, क्योंकि मेरी दीदी यहाँ बस गई हैं आके, उनको भगाना है। मैं आप लोगों से एक बात बोलना चाहती हूँ, मैं कुछ तो बोलना चाहती थी। हाँ जैसे हमारा घर 3 फ्लोर का है तो मम्मी ने पापा ने मतलब मिलके, मतलब मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती इस घर की, मम्मी ने पूरी सफाई की है, पापा ने भी हेल्प की है मेरी हेल्प के साथ। अच्छा तो या मम्मी ने और पापा ने पूरा मिलके मतलब साफ कर दिया है, खासकर मम्मी ने, पापा ने उनकी हेल्प की है विच इज़ गुड। सो या मतलब मैं अपना एक रूम का सफाई करती हूँ ना, मेरी हालत टाइट हो जाती है, बट मम्मी इस एज में मतलब इस पूरे घर को साफ कर रही है, लाइक हैट्स ऑफ टू माई मदर, मतलब सारी मम्मियाँ, क्योंकि हर घर में मम्मियाँ दिवाली के दिन सफाई करती हैं, हर दिन सफाई करती हैं, बट दिवाली के दिन यू नो पूरे घर में कोने कोने साफ करना पड़ता है। सो या तो आप लोग मम्मी के लिए लाइक कर दो कमेंट्स में। एंड ये देखो कीड़े आने स्टार्ट हो गए। कल सुबह या फिर इसी ब्लॉग में आपको नीचे के सारे प्लांट्स दिखाऊंगी। जब मैं गई थी ना तब छोटे छोटे थे बट अभी इतने बड़े बड़े हो गए हैं, मतलब अभी ये देख सकते हो मतलब ग्रीनरी इतना ज़्यादा। मेरी मम्मी को प्लांट्स बहुत ज़्यादा पसंद है। कल या परसों मेरे घर में पूजा है, लक्ष्मी जी वो जो बैठती है ना उनका, ये देखो सारे प्लांट इतने बड़े हो गए हैं। एंड जो हमारा वाला ये है ना, इसमें भी हो गए हैं बट दिख नहीं रहा, ये तो हमारा फ्लोर है। चलो आगे आगे देखते हैं, हम अभी शॉपिंग वगैरह करेंगे, कपड़े वगैरह लेंगे। तो या बाय तब तक के लिए। गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जैसा कि आप सब बैकग्राउंड से देख रहे होगे कि मैं घर पे आ गई हूँ। ये तो या अभी हम जा रहे हैं, मे बी मम्मी पापा भी जाएंगे बट मैं और किशन का कंफर्म है कि हम लोग अभी जा रहे हैं दिवाली की शॉपिंग करने के लिए, बिकॉज कल दिवाली एंड अभी हम जा रहे हैं। एंड किशन काफ़ी ज़्यादा लेट करता है, मतलब मैं रेडी भी हो चुकी हूँ, वो अभी रेडी भी नहीं हुआ है। सो या आई वॉज जस्ट वेटिंग कि वो कब तैयार हो, तो वो जल्दी से तैयार होगा फिर हम जाएंगे। एंड यू नो गाइस कि आज कितनी ज़्यादा भीड़ होने वाली, ऊपर से आज सैटरडे एंड कल दिवाली है, सो जस्ट यू कैन इमेजिन कि बाहर कितनी ज़्यादा भीड़ होगी। एंड मैंने उसको बोला कि तुम रेडी हो जाओ, तो वो नीचे जाके वो जो फ्लावर्स वाले डेकोरेशन वाले होते हैं ना वो लगा रहा है मम्मी के साथ मिलके। तो मैंने बोला अरे यार ये काम तुम आने के बाद भी कर सकते हो ना, जैसे रात में, बट रात में आज तो दिवाली है नहीं, कल भी कर सकते हैं, मतलब आज रात को भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं आज वो करेगा, फिर कल हम रोएंगे कि हमारे पास कपड़े नहीं है। एंड यू नो गाइज मैं जब अपने बर्थडे का कपड़ा ढूंढ रही थी ना तो मुझे कपड़ा मिल ही नहीं रहा था। एंड अपने बाल मैंने ऐसे खोल रखे हैं क्योंकि मैंने बहुत दिन से यू नो बन बनाया था, वो हो गए अजीब से हो गए, तो अभी मैं इसे कॉम्ब करूंगी। सो या ऑल्सो गाइज मेरी तबीयत बिल्कुल खराब है, मतलब मेरा गला आप आवाज सुन सकते हो अजीब सारा मोटा मोटा मर्द की तरह, कि जब मैं यहाँ से गई थी तभी मेरा गला खराब हुआ था पता नहीं क्यों, एंड जब मैं आई हूँ कॉलेज से यू नो ड्रॉप आउट लेके तो तभी मेरा गला खराब है। अभी हम नीचे थे आप सब ये पता है, मैं नीचे था और 5 मिनट तक लगातार चिल्लाई जा रही थी और अभी तक ये तैयारी हो रही है इन्होंने, बस ड्रेस वो कर रही है, मेकअप कर रही है और एक की है आप। अभी मैं रूम में था तो ये मेकअप कर रही थी और मुझे चिल्ला रही थी कि मैं रेडी हो गई, मैं रेडी हो गई। अब मुझे क्या, मैं 2 मिनट में चेंज कर लूंगा कपड़े और क्या।
ऑब्वियसली शिट गाइस, अगर मैं अचानक से व्लॉग में ना दिखूं तो समझ आना कि हमारी लड़ाई हो गई है और हमारी लड़ाई हो जाती रहती है हमें। मैंने मेकअप लाया, आप बताओ यार क्या लगाया मैंने? बस ब्लश लगाया मैंने और ये आई शेडो मस्कारा और लिपस्टिक भी अभी मैंने ले लिया, बस लिप लाइनर थोड़ा थोड़ा ऐसे कर लिया क्योंकि लिपस्टिक ज्यादा लगा लो ना तो लिप्स बहुत रेड रेड लगते हैं और पता चल जाता है कि कुछ लगाया, कभी सही नहीं हो सकता है। एंड यहाँ हम कार में जा रहे हैं, मम्मी पापा को भी मैंने फोर्स किया है कि वो भी चले। सो आसो मम्मी भी रेडी हो गई, पापा भी रेडी हो गए। हाँ लाइट बहुत अजीब आ रहा है। ओके तो हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पे कुछ भी पसंद नहीं आया। तो गाइस हम डीमार्ट आ चुके हैं ट्रेंड्स में एंड इतनी गर्मी हो रही है यहाँ पे, तो फिलहाल एसी भी चल रहा है और कम लोग हैं। डीमार्ट में तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी एंड वहाँ पे कलेक्शन गर्मी भी थी, वहाँ पर एसी भी नहीं ऑन था। एंड यहाँ पे मुझे एक महंगा पसंद आया जो कि 7,000 का, बट उस पर 60% ऑफर, तो आई गेस 2,000 कुछ हो जाएगा। सो गाइस दीदी को एक भी लहंगा पसंद नहीं आ रहा है, वो कन्फ्यूजन भी है क्योंकि अगर मैं इसको ले लूँगी फिर मैं कहाँ पहनूंगी। लाइक इंडियंस का होता है ना, कोई कपड़ा लेते सोचते हैं कि और कहाँ कहाँ पहन सकते हैं, और वेस्टर्न वियर में तो कॉलेज जाइएगा तो ही पहन के जाइएगा। मुझे कॉलेज से रेस्ट्रिक्ट किया। अच्छा आप तो कॉलेज से निकल गए। दीदी को फाइनली उनका ड्रेस मिल गया। मत दिखा, मत दिखा। लास्ट में दिखाएंगे। देखो मम्मी को उसका 10,000 की शॉपिंग करके 10 रुपए का कैरी बैग के पैसे नहीं देंगे। फिर हम मैक्स में गए थे किशन के लिए कुछ कपड़े लेने थे एंड यहाँ पे ये जो काउंटर पे ये जो लड़की थी वो इतनी ज़्यादा रूड थी, मतलब सबसे इतने बदतमीजी से बात कर रही थी और इतनी ज़्यादा ये इरिटेटेड थी अपने काम से, मतलब मैं बता नहीं सकती। ऑर्डर हो गया थी गाइस, हमें ऐसे पिज्ज़ा शेयर करने में तो शर्म आती है। रुके हैं रंगोली का सामान लेने के लिए, इसकी वजह से मैंने डांट सुन लिया। इस लड़के की वजह से मुझे पापा से यू नो डांट पड़ गई क्योंकि इसने बोला कि दीदी मुझे आइसक्रीम खानी है, तो ये जो हमारी गाड़ी थोड़ी सी पीछे थी तो मैंने पापा को बोला पापा थोड़ी सी गाड़ी आगे कर लीजिए, आइसक्रीम लेनी है। तो पापा को लगा मैं खाऊंगी एंड मेरा गला पूरा ख़राब हो चुका है एंड तो ये चुपचाप था एंड पापा ने मुझे डांटा है कि गले की हालत और ख़राब है। पापा ने बोला गले से दुश्मनी निकाल रही हो क्या? मैंने पापा बोला कि यार इसकी वजह से मुझे डांट सुननी पड़ेगी, और इसने एक बार भी नहीं बोला कि नहीं पापा मुझे खाना था। और देखो कैसे आइसक्रीम खा रहा है चबा चबा के। मुझे कभी कुछ नहीं होता है, कुछ भी मैं खा लूँ, -15 डिग्री में भी आइसक्रीम खा लूँ तो मुझे कुछ नहीं होगा। छोटी दिवाली है, मेरी मम्मी किशन बहन सब ऊपर पटाखे फोड़ रहे हैं और मैं यहाँ पे बैठ के एडिटिंग कर रही हूँ क्योंकि मुझे अपने बर्थडे का ब्लॉग कल डालना है, क्योंकि यार मैं कल नहीं डालूंगी तो कल दिवाली ऑब्वियसली मैं बिज़ी रहूंगी एंड उसके अगले दिन मैंने सोच रखा है कि मैं दिवाली का जो ब्लॉग है वो एडिट करके डाल दूंगी। तो क्योंकि मैंने शॉपिंग का भी डाल दिया, सब कुछ डाल दिया, तो जो बर्थडे ब्लॉग है वो मैं नहीं चाहती हूँ कि वो दिवाली के ब्लॉग के बाद आए। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द ब्राउन सिबलिंग लाइफ। आज दिवाली, तो हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। सो मैंने सोचा अभी टाइम है व्लॉग स्टार्ट करने का, सही टाइम। वैसे अभी 3 बजने वाले हैं एंड अभी हम जा रहे हैं वीडियो शूट करने के लिए एंड हम यू नो बाहर रंगोली यू नो सारा डेकोरेशन कर रहे थे इसलिए लेट हो गया है। सो या अभी तो हम जाएंगे वीडियो बनाने नीचे। हमारी एक बहुत ही वायरल वीडियो थी आंटी पटाखा है, उस पर बनाने वाले हैं। अभी मैं आपको रात में सारा डेकोरेशन दिखाऊंगी एंड इतने मेहनत से हमने किया है तो 1 मिनट तो मैं पूरा डेकोरेशन दिखाऊंगी। ये दिवाली हमारी यू नो इस घर में फर्स्ट दिवाली है, सो वी आर वेरी हैप्पी। सो यार जल्दी से फटाफट वीडियो बना लेते हैं। ये दिवाली हमारे इस घर में फर्स्ट दिवाली है, सो वी आर वेरी हैप्पी। सो यार जल्दी से फटाफट वीडियो बना लेते हैं। एंड आप लोग ये मत सोचना कि ये मेरी दिवाली की ड्रेस है, एक्चुअली मैं इस वीडियो में आंटी बनी हूँ तो मैंने ये सूट पहना है। जो मेरी दिवाली की ड्रेस है मैं आपको वो थोड़ी देर बाद दिखाऊंगी। वैसे उसका थोड़ा जो ड्रेस है ना वो फिटिंग नहीं है, तो मम्मी से पहले फटाफट मैं उसको फिटिंग कराऊंगी। सो या लेट्स गो। रंगोली मम्मी ने बनाया। सो गाइज लास्ट सीन बस शूट करना है जिसमें मेरा है कि मेरे मतलब जो पटाखे निकल गए होंगे एंड ये वीडियो शूट करते करते ये जो मेरा है ना, चुप रहो, ये जो मेरा झुमका है ना ये भी टूट गया है। सो छोड़ो जाने दो, झुमका आ गई और ये इतने बार गिर रहा था ना वीडियो के बीच में,
सो हम लोग छत पे शूट कर रहे हैं क्योंकि नीचे बहुत लोग काम कर रहे हैं एंड यू नो शोर है नीचे एंड सब लोग छत से देख रहे हैं. सो वी आर लाइक इंट्रोवर्ट ना, तो हमें थोड़ी सी शर्म आती. खैर थोड़ी सी भी एनर्जी नहीं क्योंकि मेरा तबीयत खराब है. आप देख सकते हो मेरा गला भी बिल्कुल खराब है, फीवर है, कोल्ड है, सब कुछ है. सो अभी मेरा हो रहा है आई मेकअप क्योंकि मैं अभी वो हो गई हूँ, तो मेरा आँख के नीचे यार बोलना चाहिए. रुको मैं कर लूं. या दीदी ये चीप और वो सस्ते सस्ते ना सरोजनी मार्केट से लेके आते हैं, मेकअप काम भी नहीं करता. पागल हो क्या, ये बहुत महंगा प्रोडक्ट है. हाँ 100 रुपए का. भूख लगी है, 4 बजने वाला बहुत जोर की, मैं जाके लंच करूंगी सबसे पहले. कितना चिल्लाते हो किशन, चुप रहिए. आज ऐसे लोगों को काम नहीं मिलता बॉलीवुड में, ऐसे घूमते रहो. तुमको बड़ा काम मिल गया. ओ माय गॉड मैं मंजुलिका लग रही हूँ. प्लीज करण जौहर अगर आप. सब कुछ हो चुका है तो अभी हम नीचे जा रहे हैं. बट गाइज अभी मैं मेहंदी लगा रही हूँ एंड 5 बज रहे हैं एंड आई एम सो बैड एट मेहंदी. गाइज मैंने एक ऐसे तैसे करके रंगोली बना ली, सॉरी मेहंदी लगा. कैसा लग रहा है? ठीक है, अच्छा है. शांत रहो. ये क्या है? नहीं पा रही हूँ. ओह मेरी मेहंदी ना खराब हो जाए. चलो एक सेकंड. हाँ अब हम इधर से एंटर करेंगे घर में. ये है मेरी दिवाली की ड्रेस जो कि मतलब मैंने कल ही ली थी एंड ये एक लहंगा है, तो मैंने कल तो नहीं दिखाया था बट ये आज मैं दिखा रही हूँ. सो यार मैं जल्दी से इसको पहनती हूँ क्योंकि हमारे घर में आरती बहुत जल्दी हो जाती है, 5 बजे हो जाती है. देखो गलती से उनका मैचिंग का इयररिंग मिल गया. मतलब ये इयररिंग मुझे पता भी नहीं था मेरे पास है बट ओ माय गॉड गाइस. एंड आप लोग बताओ, आई नो ये थोड़ा वो है, किशन का भी ओवर साइज हो गया, मेरा भी बट ओवर साइज हुआ ये. लेकिन ये देखो मेरा भी तो है, तो हम इसे बाद में. मैं ऐसे तैसे जो भी है तैयार हो गई हूँ. मैं बहुत अजीब लग रही हूँ, मुझे पता है मैंने मेकअप भी बहुत अजीब किया है. सो मैं अभी जल्दी से नीचे जाती हूँ, हम आरती वारती करते हैं फिर आपसे मिलते हैं. बट फोटोज लेने से पहले मैं अच्छे से तैयार हो जाऊंगी. बट अभी यू नो पूजा इज मोर इम्पोर्टेंट देन पिक्चर्स. क्यों ओ गिर गया. चलो लेट्स गो. ये कुछ लिया गया तुमने? आइए छिपा रहे थे. माय गॉड कैसी लग रही है? बड़ा भी रहता है. इतना बड़ा नहीं रहता. बड़ा नहीं वो ढीला पड़ रहा है. सिल देंगी ऐसे. वो हम डालेगी तो मना ना. वाह कितना अच्छा लग रहा है. चेहरा नहीं पीछे का बैकग्राउंड. सिर्फ दो ही आंवले आंवला के पेड़ के पास. हेलो फिर और कोई भी किसान रखोगे ना? किसान 3 दिया रखना है. क्यों? रसम है किसान. जंग कुक ने कोट पहना था. मम्मी ऐसा क्यों आप लोग करते हैं, जैसे पूरे कॉलोनी में किसी ने अभी तक दिया नहीं लगाया, आप लोग क्यों लगाते हैं जल्दी? मम्मी हैप्पी दिवाली बोल दीजिए. हैप्पी दिवाली. अभी तैयार नहीं हुए है ना? हाँ अभी मम्मी तैयार होंगी. मम्मी आप कितना काम करती हैं. इधर देखो एकदम उधर से. गाइस अभी हम जा रहे हैं सारे व्यू लेके. हमारे जितने भी ऊपर रूम है, रेलिंग है, हर जगह हम लगाएंगे. एक ये है और एक पीछे हमने रखा है. गिर जाएंगी दीदी. आपका बाल जल रहा है? बाल जल गया, बाल जल गया. ये बड़ा वाला किशन लेके जाएगा, छोटा वाला मैं लेके जाऊंगी. क्योंकि ये चप्पल कौन यहाँ पे रखा है? किशन तुम्हारा ही काम है चप्पल ये. अरे सबसे ऊपर जाना है. मम्मी मम्मी गाइस मैं ऐसे जा रही हूँ. ठीक है बापरे, पहले तो इसी फ्लोर पे लगाना है. मेरा पता है दुपट्टा उसमें फंस रहा है रेलिंग के ब्लैक वाले में. ओह माय गॉड बहुत भारी है यार. क्या इंट्रूसिव थॉट कह रहा है कि पटक क्या कर फेंक दे. मेरा इंट्रूसिव थॉट कह रहा है तो तुम्हारी धोती दिए में चला दो. मम्मी 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 गिरा गिरा गिरा. बाप रे बाप रे बाप रे. किशन एक दिया इसमें रख दिया जाए क्या? टूट जाएगा, बहेगा. लेट्स ट्राई वंस. हम इसके अंदर रखेंगे. सबसे हल्की दिया रखो. यही है. नहीं नहीं ये वाली. रुको रुको. इट लुक्स नाइस. नहीं 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 क्या हुआ? बह नहीं रहा. डूब गया. नहीं डूबेगा, रखो ना.
डूबे का तो ऐसा नहीं, आग लग जाएगा बस, है ना। तो नदी में लोग देखते ही है, हम भी पागल है। लीन इतना छोटा नदी नहीं रहता है। चलो अब मैं लगाती हूँ दिए, यहाँ पे तो लग गए ना यहाँ पे। एंड गाइस आप सब देख सकते हो किसी के घर में दिया नहीं जल रहा, आई गेस उधर जला है, एंड किसी के घर में मुझे दिया नहीं दिख रहा है, बट वहाँ पे एक वो वाला जो घर है ना, थोड़ा आपको ये वाली लाइट दिख रही है ना, ये सारे दिए हैं। सो या एंड मेरी मेहंदी भी थोड़ी चढ़ गई है, सो अभी हम लगाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। इस वाले फ्लोर पे सारे दिए लगा दिए मैंने और किशन ने। या अब बारी है ऊपर जाने की, एंड अब हम ऊपर जा रहे हैं लगाने के लिए, यहाँ के लाइट्स ऑन कर देते हैं। वाओ ये फ्लोर मेरा फेवरेट है, मतलब यहाँ पे इतना सुकून मिलता है ना, एंड यहाँ पे हमने कुछ लाइट्स ही नीचे नहीं की हैं। सो अब यहाँ पे दिए लगाते हैं। ये काम सबसे ज़्यादा मतलब मुश्किल का है, लेकिन आज कितना अच्छा लग रहा है ना, दिवाली इज़ माई फेवरेट फेस्टिवल। गिर जाएगा फिर हम छोड़ेंगे पटाखा, अभी वो क्या है यार, वो तो एरोप्लेन है। टाइम प्लेन में बैठो और नीचे का कितना खूबसूरत लगता होगा ना। एक दिन मैं भी बैठूंगी फ्लाइट में और उड़ूंगी और नीचे देखूंगी दिवाली के टाइम। दिवाली के दिन कौन ट्रैवल करता है? वो लोग हैं जो दिवाली के टाइम एंड पे घर जाते हैं खाने के लिए बस, ताकि उनको कोई काम ना करना पड़े, और बहाना देते हैं हमें फ्लाइट नहीं मिली। जस्ट किडिंग गाइस, बहुत लोगों को मिलता नहीं है ऑब्वियसली। ये वाला कांटा वाला मुझे कल बहुत जोर का लगा था, तो मैं इधर से नहीं जाऊंगी, इधर से जाऊंगी इसके ऊपर वाले छत पे जाएंगे। पहले इधर भी ला दीजिए। कुछ काटा मेरे पैर पे बहुत जोर का। यू है जो पूरा खाली पड़ा, हम लोगों ने कभी दिखाया भी नहीं दिखाएंगे। यहाँ पे भी जला दो लाइट्स, आज सारे लाइट्स लगनी चाहिए, हर एक कोना हम लोगों का है। एंड ये जो है ना, यहाँ पे हमने डायमंड प्ले बटन के लिए रखा था, बट अनबॉक्सिंग हमने किया नहीं था, तो अभी निकाला नहीं है, मतलब कर लिया है इसे हमने निकाला नहीं था। तो अब यहाँ डायमंड प्ले बटन था, वो हमने नीचे रख दिया, ऊपर रखेंगे बाद में। आ रही है सबसे ऊपर वाले यू नो छत की, जो मेन टेरेस है, यहाँ पे तो पूरा अंधेरा है, यहाँ की भी लाइट्स हम जला सकते हैं। गाइस ये पिन को आप लोग इग्नोर करना प्लीज, क्योंकि आपको पता ये रीजन। ऊपर भी हमारे लाइट्स लगे हुए हैं, एंड यहाँ पे सारा कबाड़ा है। जब हमारा घर वर बन रहा था ना पिछले साल, तो सारा कबाड़ा हमने यहाँ पे रख दिया था, बट फिर भी ये बहुत क्लीन है। हालत ख़राब हो गई मेरी बहुत ज़्यादा, सच बता रही हूँ। तो मैं आप लोगों को एक बात बताने वाली हूँ कि जब हम छोटे थे ना मैं और किशन, तो दिवाली के नेक्स्ट डे मैं और मेरा जो भाई है वो हम जाते थे, एंड जितने भी दिए हुए होते थे, बड़े दिए छोटे दिए एंड जो भी सामान होते थे दिवाली के दिए से रिलेटेड, वो सब हम इकट्ठा करते थे। हम मिट्टी का जो चूल्हा होता है ना वो बनाते थे, फिर रियल में हम खाना बनाते थे, जैसे घर घर होता है ना, हम वैसे मैं और मेरा भाई बहुत खेलते थे। अभी वो कह रहा था कि मेरा नाम मत लेना कि मैं नहीं खेलता हूँ, बट या ऑफकोर्स हम लोग खेलते थे, हमें बहुत मज़ा आता था। या वही पुराने दिन याद आ गए, मेरा मन कर रहा है ना मैं कल भी आऊँ, सारे दिए इकट्ठा करो घर घर खेलूँ, क्यों वाई नॉट। मैं यहाँ पे खाना बना रही हूँ, मम्मी एक सेकंड कैमरा साफ करना है, बहुत ख़राब हो गया। क्या बना रही हैं आप? खीर बना रहे हैं। और ये क्या है? सूरन की सब्जी। क्यों सूरन की बचा रही बना रही हैं? दिवाली को सूरन की सब्जी बनती है। ओके गाइस, तो मैं अभी थोड़ी सी तैयार हुई हूँ, एंड अब मैं जा रही हूँ थोड़े से फ़ोटोशूट करने, मे बी मैं यहाँ पर करूँगी या फिर यहाँ पर लाइट्स में अच्छी आएँगी। सो गाइस अभी हम फ़ोटोशूट करने की तैयारी कर रहे हैं। चलो, मतलब दिवाली एक ऐसा फेस्टिवल है ना कि जब जाता तो मैं उसको मिस करती हूँ। अब मम्मी पापा का फोटो शूट होने वाला है। ओके गाइस, तो अब बारी है पटाखे फोड़ने की। इतने ज़्यादा पटाखे हैं, मैं तो नहीं फोड़ने वाली, मुझे डर लगता है। मैं बस अनार फोड़ सकती हूँ, और वो तो मम्मी सब फोड़ लेता है। पहले पापा ये वाला फोड़ेंगे। कितना है मम्मी इसमें? हट्टी की बात, 30। इतना में से निकालना पड़ेगा, ये 3 डरपोक हैं, मतलब इससे वो भी नहीं फूटता, छुरछुरी रह जाएंगे। वाइट कबूतर कहाँ? नहीं मम्मी, आराम से किशन, मत जाओ यार, पागल हो क्या? मम्मी बाप रे बाप।
जा रही हूँ इसके अंदर। सब लोग हट जाओ वरना सबके मुंह में फूट जाएगा। खत्म। अब हम फोड़ने वाले छुरछुरी है। कैसा छुरछुरी है भाई? इसका पकड़ने वाला कहाँ है? ये अनार की, ये है छुरछुरी। अरे वो मम्मी लास्ट टाइम फट गया था ना, एंड में फट भी जाता है। देखिएगा कोई जाएगा नहीं पास में। An eternity later. अरे मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि है क्या। मैं वहां जा रही हूँ मेरी तरह। तो पापा कह रहे हैं ये तो, ये जो पहला वाला खोड़ा था उससे तो आसानी है। खोड़ा था ऊपर गया क्या? क्या था ये? नीचे हम लोग ये चलाने वाले हैं। फटा हुआ है, मिशन फेल। वो फटा हुआ दिया था इन्होंने, रॉकेट छोड़ा वो, मतलब इतना टेढ़ा मेढ़ा गया था, किसी घर में नहीं गया। मतलब खराब लोग रॉकेट देते हैं इतना मार्केट में। मम्मी मम्मी आराम रहेगा ना इसको, दौड़ने वाला नहीं है। इतना गिरने से बचे हैं। ये वाला जा रही है फोन टूटी वाला। फर्स्ट टाइम ये पैदा टू माय मॉर्निंग। मम्मी मम्मी बैठ के देखना, अपना मुंह बचा के रखना। बाप रे, इसका आवाज कितना तेज था। अब बारी है इस पटाखे की। फिर से हम इसे ट्राई कर रहे हैं, मे बी ये हो रहा है क्योंकि ये फटा हुआ है तो होने। जल गया पापा, जल गया। जी कहीं गिर जाएगा, गाड़ी उड़ी है। नहीं ऐसे में पानी गिरा दी, पानी में गिरा दीजिए पापा, टब में पानी है। डॉगी वॉगी होंगे उड़ के घर में घुस जाएगा। मम्मी इधर पानी में डाल दीजिए, पानी में कोई सुनता ही नहीं मेरी बात। पानी में डाल दीजिए, पानी जल गया, आग लग गया हमारे घर में, आग लग गया। अरे 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 फोटो खींचेंगे, बहुत अच्छा आ रहा है। जूम करो थोड़ा अपने हाथ को, अपने हाथ को दोनों पास में लाइए। हाँ खेलते रहिए, चारा दिखे थोड़ा दूर। मम्मी कीड़ा घूम रहा है। ओके गाइस, तो मम्मी रॉकेट छोड़ने वाली है। लेट्स सी ये छूटता है कि नहीं छूटता है। पटाखे इतने खराब देते हैं ना, बट फोड़ेंगे तो है ना, क्योंकि दिवाली साल में एक बार बस आती है। सो लेट्स गो डाउनस्टेयर, लेट्स ईट समथिंग। भाई मैं जा रही हूँ वाली मिठाई खाने। ये नहीं, ये वाली खाऊंगी फर्स्ट और स्वीट ऑफ दिस। अभी पड़े हुए हैं
हैप्पी दिवाली। ओके गाइस, तो अब बारी हमारे खाना खाने की। हम खाना खा के फिर सो जाएंगे एंड मेरा काम है सबसे बड़ा कि जितने भी फोटोज वीडियोज है सब मम्मी को देने का, सब पापा को देने का, जो कि आईफोन वाले रिलेट कर सकते हैं। सो या गाइस, अब हम जाएंगे खाना खाएंगे एंड उसके बाद हम करेंगे स्लीपिंग। ओके सो यार, आई होप आपको हमारा दिवाली का ब्लॉग पसंद आया हो। अगर नहीं आया हो तो कोई बात नहीं। बाय बाय। सो बाय। अच्छे से भी लुक है एक। मम्मा, आई एम डन विद टुडे एंड दिस दिवाली। आई एम गोना स्लीप इन रूम में जो ये फोड़ने वाला है। बाकी मैं तो जा रही हूँ सोने में, मेरी हालत खराब हो चुकी है। Bye guys.